हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया केक्स एंड चॉकलेट्स। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये देखिए, आज हमने सुंदर सी ब्राइड टू बी के लिए केक बनाया है, और जो केक बनाया है वो हमारा चॉकलेट फ्लेवर में है। तो सबसे पहले इसके लिए हम स्पंज रेडी करेंगे। स्पंज रेडी करने के बाद हमने ये इसकी लेयरिंग करके कटिंग कर दी है, और हमने ये 3 लेयर में इसको कट किया है। इसका कटिंग करने के बाद हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। तो ये हो गई है हमारी 3 लेयर की कट। अब हमें इसको अच्छे साफ अपने बेस में लाके इसको पहले सेट कर देंगे, और इसका सेट देख लेंगे कहाँ पे हमको लगाना है। इसके बाद हम इसको शुगर सिरप से सोक करेंगे। सोक करने के बाद हम इसमें क्रीम क्रीम अपने स्प्रेड करेंगे। इसमें मैंने अभी चॉकलेट गनाश नहीं यूज़ किया है, चॉकलेट गनाश मैंने ऊपर से डाला है। हमारा सेमी चॉकलेट वैसे इन हमने पूछ के इसमें वैसा वाला क्रीम लगाया है। इसके बाद इसमें हम अपना गनाश डालेंगे। गनाश के बाद हम इसमें क्रंचीनेस के लिए हम अपना जो है वो चोको चिप्स डाल रहे हैं। चोको चिप्स डालने के बाद हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और जो हमारे चोको चिप्स इधर उधर फैले हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट लेयर लगाएंगे। नेक्स्ट लेयर लगाने के बाद भी वही हम शुगर सिरप से सोक करेंगे, क्रीम लगाएंगे। ऐसे ही हम सारा सोक करने के बाद ये हमारी फाइनल फाइनल लेयर थी, तो ये हम इसमें क्रीम लगा देंगे और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे इवनली, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो इसके लिए हम लगाएंगे। तो ये क्रीम को हम अच्छे से सेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपके मोटिवेशन से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए मेरे हेल्प करिए। तो ये हमने जो आज ब्राइड टू बी और का केक बनाया है, ये भी पूरी फुल प्रोसेस फुल वीडियो आज मैंने अपलोड किया है। आप लोगों के मोटिवेशन के थ्रू ही मैं इतने यहाँ तक पहुँची हूँ और इस तरीके के केक बनाने लगी हूँ। पहले मेरे में इतना इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पर अब मेरे को धीरे धीरे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं हर तरह के केक बना सकती हूँ। और आपको जिस तरीके के मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरीके के मैं केक बना डेकोरेट करूँ, और हर हर एक सेलिब्रेशन के लिए किसी को भी कहीं और या मेरे से सारी सेटिस्फेक्शन रहे कि उन्होंने जो मेरे से केक बनवाया है वो बिल्कुल सही बनवाया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्रम कोटिंग हो गया है, और हमने इसे फ्रिज में भी रख दिया था। फ्रिज से निकालने के बाद हम इसकी फाइनलाइजिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा मेरे पास टाइम की कमी थी, इसलिए मैंने इसमें पाइपिंग वगैरह का यूज़ नहीं किया है। मैंने डायरेक्ट इसमें क्रीम वगैरह लगा के इसकी फाइनलाइजिंग कर दी थी। ये हमारा क्रीम आ गया। अब हम नाइफ से इसको स्प्रेड करेंगे चारों तरफ। स्प्रेड करने के बाद इसको अच्छे से नाइफ से ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। साइड से भी हम उसको सेट कर रहे हैं। पहले हमने आज ऊपर का ही सेट कर दिया है, इसके बाद हम इसमें साइड से भी क्रीम लगाएंगे। जो हमारी क्रीम है वो देखिए फ्रेंड्स, कहीं हमारा जो क्या बोलते हैं स्पंज है वो दिखे ना, इसके लिए हमने चारों तरफ इवनली इसमें हमने क्रीम को स्प्रेड कर दिया है, और जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा है वहाँ वहाँ स्क्रबर की मदद से हम एक्स्ट्रा क्रीम को हम रिमूव कर देंगे, कहीं हमारा केक ख़राब ना दिखे। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा क्रीम रिमूव कर दिया। इसके बाद नाइफ से ही हम इसकी कोम कर देंगे। एक मेरे पास नाइफ है कोम वाला, तो उससे हम इसकी कोम कर देंगे, वो बारीक वाला हमारे पास है। तो ये हमने अभी ये फाइनलाइजिंग कर, इसके फिनिशिंग देने के लिए हमने नाइफ से ये देखिए फ्रेंड्स इसको कर दिया। अब ये हमारा फाइनल फिनिशिंग हो गया। अब इसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा केक जो है वो रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में है, तो ये हमने इसमें रेड कलर का बॉर्डर बनाया है, वो भी पर्ल वाला ही बनाया है छोटा छोटा, क्योंकि हमारी थीम ही पर्ल पे है, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे बनाया। अब ये हम इसका शाइनिंग का, अब हमारा टाइम आ गया है इसको हम ये फिनिश विनिश करने के बाद, बॉर्डर बनाने के बाद इसमें हम अपना सिल्वर डस्ट यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अब हमारा ओपर अब साइड हमारी डेकोरेशन चालू हो गई। तो हमने सबसे पहले इसमें क्राउन लिया है, इसके बाद ये हमारी ब्राइड आ गई है सुंदर सी, जो बुके लेके खड़ी हुई है। अब इसके बाद हम इसके लिए इसको और सुंदर बनाने के लिए इसके पंख भी लगा देंगे,
ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर व्हाइट ऑरेंज रेड का कॉम्बिनेशन है। अभी अभी रुकिए फ्रेंड्स, अभी इसमें और भी बाकी है, अभी तो ये आधा ही हुआ है, अभी इसकी मेन डेकोरेशन अब बाकी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये मैंने हार्ट शेप के स्प्रिंकल्स हैं, जो शुगर स्प्रिंकल्स हैं ये हमारे, ये मैंने चारों तरफ लगा दिए, ये मैंने अप साइड में भी लगा दिए, और जैसे हमने क्राउन लगाया है व्हाइट और गोल्डन का, व्हाइट और गोल्डन का शेडेड में, ऐसे ही हम छोटे छोटे वाले अपने स्प्रिंकल्स चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। तो ये हमारा ये जो है केक, ये रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए और बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको भी ऐसी ही ब्राइड पसंद है। मेरी ब्राइड को तो ये केक बहुत पसंद आया था जिन्होंने केक बनवाया था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स ये मैं धीरे धीरे अब कोशिश कर रही हूँ, और ये देखिए हमारा ब्राइड टू बी का हमारा ये टैग भी लग गया है। ये अभी मैंने जहाँ मैंने केक बनाया था वहाँ का है। अब मैं अपने स्टूडियो से भी इसकी पिक्स लूँगी। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। तो ये सबको इतना पसंद आया, इसका फ्लेवर भी पसंद आया, कमेंट करके उन्होंने मुझे बताया है। तो फ्रेंड्स मैं इनकी पिक्स मांगी हूँ मैंने, और मैं आपको शेयर भी करूँगी। तो अभी आप फिलहाल मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा बनाया हुआ केक कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करते रहिए और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए। एंड आप मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे जल्दी सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए, आप लोग की हेल्प से ही मेरे 1000 तो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाएंगे। तो ये हमारी ब्राइड टू बी का केक है, चॉकलेट फ्लेवर में है। इससे सुंदर केक मेरे से बनता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो मैंने जितना मेरे को समझ में आया उतना बनाया, और मैंने ये ब्राइड टू बी को जो स्टैंड दिया था इसको और अच्छा चार चांद लगा दिया। इसमें कुछ लाइटिंग भी मैंने कर दी है, जैसे हार्ट शेप का मैंने स्टैंड उनको स्पेशली दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो। थैंक यू।